मैं अभी लव रीडिंग कर रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ में लव रिलेशंस कैसे रहेंगे आपके। ऑल ओवर मंथ लव से रिलेटेड कैसा रहेगा। ये सोल कार्ड है, आपकी सोल पर्पस पता चलेगा इससे नेक्स्ट मंथ का, कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या मैसेज दे रही है। जनवरी का जो फर्स्ट वीक रहेगा वो थोड़ा डिफिकल्टी भरा रहेगा क्योंकि द टावर का कार्ड आया है, बट ये इतना नेगेटिव नहीं होता, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ डिफ़िकल्टीज रहेंगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग जो होंगी वो रिलीज हो जाएंगी। उसके बाद जो होगा, द सन का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। आप अपने प्यार से, अपनी लाइफ में प्यार से जो भी चाहते हो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट कार्ड है ये द चैरियट का, इससे आप अपने प्यार में, आपके प्यार में बहुत ग्रोथ होगी, आप क्लियर देख सकते हो आपके प्यार में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, जो बुराई है उसको आप रिमूव कर सकते हो, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आपके प्यार में बहुत, मतलब आपकी लव लाइफ नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छी जाने वाली है, गॉड की ब्लेसिंग साथ में रहेगी, धार्मिक कार्यों में भी आप व्यस्त रहेंगे। और एंजल्स की तरफ से भी आपको ये मैसेज आया, रोमांस आपका नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा रोमांटिक जाने वाला है, ठीक है। और आपकी सोल भी यही कह रही है, आई फाइंड लव एवरीवेयर आई गो, इट इज़ ऑल अराउंड मी, सब जगह प्यार ही प्यार है, मेरे आसपास सब जगह प्यार ही प्यार है। तो ऑल ओवर आपका नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, बट वो सब सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।